फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ पांच ऐसी एक्सरसाइजेस जिनको अगर सोने से पहले 5 मिनट आप कर लेते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपका बेली फैट कम हो जाएगा, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा और जो सुबह उठ के लेथर्जीनेस रहती है, आलस रहता है, वो भी आपका काफी हद तक कम हो जाएगा। जिन लोगों ने कभी कोई एक्सरसाइज नहीं की है, रेगुलर एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, वो लोग भी इन एक्सरसाइज को आराम से बिस्तर पे लेटे लेटे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को इस तरीके से अपनी हिप्स के पास में लेके आएंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप देंगे, दोनों हाथों की फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे, गर्दन के नीचे लेके आएंगे। अब आपको अपने दोनों पैरों को एक साइड में इस तरीके से डाउन कर देना है, गर्दन को दूसरी तरफ पूरा से टर्न कर लेंगे, ऊपर आएंगे, अगेन दूसरी साइड में आपको पैरों को इस तरह से डाउन करना है, गर्दन अपोजिट साइड में एंड अप। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जितनी बार भी आप अपने लेग्स को नीचे लेके जाएंगे और अगर आप यहाँ पे होल्ड करते हैं इस तरीके से, तो आपको हर बार ब्रीथ आउट करना है, यानी कि जब आप इस पोजीशन में होंगे तो सांस आपको बाहर छोड़ना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो बेली एरिया है, स्टमक एरिया है, ये पूरा अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा इस तरीके से। देखिए कैसे करना है आपको, ये मेरे साथ साथ आप कीजिए 5 टाइम्स। नॉर्मल पोजिशन में आ जाएंगे, स्टार्ट। इस तरीके से जैसे मैंने भी 5 टाइम किया है, इस तरीके से आपको 20 से 30 टाइम्स इस एक्सरसाइज को करना है। अब देखते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को इस तरह से बिल्कुल सीधा कर लेंगे, गर्दन को हल्का सा ऐसे ऊपर उठाएंगे, पैरों को इस तरह से ऊपर उठाएंगे, जितना आप इजिली उठा के होल्ड कर सकते हैं उतना आपको उठाना है। जरूरी नहीं कि आपको 90 डिग्री लाना है, आप 30 डिग्री पे अगर इजिली होल्ड कर सकते हैं तो वहीं पे आपको होल्ड करके रुक जाना है। ये हम करेंगे, अभी मैं आपको बता रही हूँ फॉर 20 सेकेंड्स। आप इसके टाइमिंग्स को अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, जितना देर आप होल्ड करना चाहें। गर्दन को ऊपर उठाइए, पैर ऊपर उठाएंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से सांस छोड़ेंगे। ये एक्सरसाइज आपके पेट के साथ साथ आपके पैरों की स्ट्रेंथनिंग करती है और आपके थाइस के फैट को भी रिड्यूस करती है। फिर धीरे से नीचे आ जाएंगे। ये हो गई हमारी दो एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज देखते हैं। थर्ड एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को इस तरीके से ऊपर लेके आएंगे, हाथों को इस तरह से सेट करेंगे, ये जो पैर है ये आपको 90 डिग्री पे रखने हैं, हाथों को इस तरह से घुटनों पे सेट कर लेंगे, धीरे से गर्दन को ऊपर उठाएंगे। अब यहीं पे आपको 10 काउंटर होल्ड करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड बैक। ये एक्सरसाइज आपके बेली फैट को भी कम करती है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। इसके आप जो टाइमिंग है वो इंक्रीज कर सकते हैं, 10 काउंट से आप स्टार्ट कीजिए, फिर आप इसको 1 मिनट तक भी इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए दोनों घुटनों को इस तरह से चेस्ट का क्लोज लेके आएंगे, हाथों को इस तरह से घुटनों पे रखेंगे, फिर इस तरह से ऊपर उठेंगे एंड बैक इस तरीके से, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये जो एक्सरसाइज है ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, आपके लोअर बेली के फैट को रिड्यूस करती है और आपकी बॉडी में एनर्जी का जो सर्कुलेशन है उसको इंक्रीज करती है। आप देखते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे, पैरों के बीच में नॉर्मल गैप देंगे और पैरों को बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे, कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रेस आपको पैरों में फील नहीं करना है। हाथों को इस तरह से साइड में खोलेंगे और हाथों को भी एकदम फ्री कर देंगे, आंखों को बंद करेंगे और अपनी पूरी बॉडी के एक एक पार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे, हर पार्ट पर फोकस करेंगे, अपना जो ब्रेन है या पैर के अंगूठे से लगा के सर के बाल तक आपको हर बॉडी पार्ट को रीड करना है।
हर बॉडी पार्ट में जो भी आप सेंसेशन महसूस कर रहे हैं, जो भी रिलैक्सेशन महसूस कर रहे हैं, उसको आपको फील करना है। ब्रीदिंग आपको बिल्कुल नॉर्मल रखना है, हर बॉडी पार्ट को बिल्कुल रिलैक्स एकदम ढीला छोड़ देंगे। और यहाँ पे आप जितना देर आराम से होल्ड कर सकते हैं उतना देर होल्ड कीजिए, और हो सकता है कि आपको इसी पोजिशन में नींद भी आ जाए। इस तरीके से इन एक्सरसाइज को करने के बाद जब आप शवासन करते हैं तो आपको बहुत आराम से बहुत गहरी और अच्छी नींद आती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको एक्सरसाइज जरूर पसंद आई होंगी। सिर्फ 5 मिनट आपको ये करना है और आप इसके रिजल्ट खुद देखिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।